बात हार्दिक पटेल की। बीजेपी के खिलाफ पाटीदार आंदोलन करके राजनीति की शुरुआत करने वाले हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल हो गए। हार्दिक पटेल जब तक बीजेपी में नहीं थे वो बीजेपी और बीजेपी नेताओं को जमकर कोसते थे, मगर आज बीजेपी में आते ही उनके सुर बदल गए और उनका अंदाज भी बदला हुआ सा दिखा। हार्दिक, बधाइयां मिल रही हैं अब उनको। भारत माता की। दम लगाकर मोदी का विरोध करता हूँ, दादागिरी से करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। दम लगाकर दादागिरी के साथ पीएम मोदी का विरोध करने वाले हार्दिक पटेल का बीजेपी में हार्दिक अभिनंदन हो रहा है। अपनी राजनीति की शुरुआत ही बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर करने वाले हार्दिक पटेल बीजेपी के खेमे में अब खड़े हैं। सर पर कमल दल की टोपी है, गले में कमल दल का अंग वस्त्र और हार्दिक के चेहरे पर कमल वाला होने की खुशी। आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से मैं शामिल हुआ हूँ। हर एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हर एक व्यक्ति की ये मनसा होती है कि जनता के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, समाज के हित के लिए कार्य करे, और मुझे लगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मक्कम गृह मंत्री अमित भाई, जेपी नड्डा साहब, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, सीआर पाटिल साहब, ये सभी लोग राष्ट्र के हित में अपना भगीरथ कार्य कर रहे हैं। और ऐसे समय में मेरी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश के हित के खातिर इस बड़े से राष्ट्र सेवा के यज्ञ में मैं भी एक नरेंद्र भाई का छोटा सा सिपाही बनके काम करूं। आज भले ही हार्दिक पटेल के शब्दों में बीजेपी और पीएम के लिए मिठास हो, मगर इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि वो हद दर्जे तक पीएम मोदी और बीजेपी के विरोधी रहे हैं। उन्होंने कई बार आरोप लगाया था कि बीजेपी उन्हें जानबूझकर फंसा रही है। इसी विरोध के चलते उनसे सवाल किया गया, जवाब सुनिए। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि कोर्ट के भीतर मेरे केस चल रहे हैं, और जब कोर्ट उस मामले में फैसला करेगा, चाहे वो मुझे निर्दोष छोड़े या कोई और फैसला, उसको हमने स्वीकार किया है। इसी गुजरात की कोर्ट ने हमें 2 साल की सजा दी थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पे रोक भी दिया है। तो पहली बात यह है कि कानून की प्रक्रिया में हम कभी भी टिप्पणियां नहीं करते। हमें भरोसा है कि हमने सही काम किया है, जनहित के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम निर्दोष भी हो जाएंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल ने बताया कि अभी वो सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी उनके लिए जो भी जिम्मेदारी तय करेगी वो उसका निर्वहन करेंगे। हम मेहनत करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हमें जो जिम्मेवारी देंगे उसमें हम अपनी क्षमता पुरवार करेंगे, फिर पार्टी जो फैसला करेगी वो पार्टी पर निर्भर होता है। लेकिन आज जो यहाँ पर आए हैं वो एक कार्यकर्ता की भूमिका में आए हैं, और मैं कहीं पर भी जनहित के हित के लिए जब काम करता हूँ तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में काम करना चाहता हूँ। हार्दिक पटेल अब बीजेपी वाले हैं, लिहाजा शामिल होते ही हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की लानत मलानत शुरू कर दी। उन्होंने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। ये सब लोग जानते हैं कि जहां मैं था वहां किसी भी प्रकार का जनहित या जनता की भावनाओं के साथ जुड़े हुए एक भी मुद्दे पर काम नहीं किया जाता था। और मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि जिस छत्रसाया में मैं आया हूं वहां से जनहित का जो कार्य है वो पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल के साथ, शुद्ध मन के साथ किया जाएगा, और उस कार्य में मुझे भी हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। इससे पहले हार्दिक पटेल ने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले पूजा पाठ किया। खुली गाड़ी में बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो समर्थकों ने फूल बरसाए। कभी पाटीदार आंदोलन में हार्दिक के साथी रहे चिराग पटेल पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, अब वो हार्दिक का बीजेपी में दिल से स्वागत कर रहे हैं। दिल से स्वागत करते हैं, पार्टी ने जो डिसीजन लिया, शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है, उनका हम दिल से स्वागत करते हैं। जिसको भी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश जैसे विकास में आगे बढ़ रहा है उसमें अपना योगदान देना हो, जिसको भी देना हो, उसका हम आज दिल से स्वागत करते हैं। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हार्दिक का दिल से स्वागत करने के सवाल पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। ऐसे ही हैं पूर्व सीएम नितिन पटेल। क्या बीजेपी के जो लीडर्स है, जो वर्किंग कार्यकर्ता है, क्या वो स्वागत करेंगे उनका दिल से?
क्योंकि पहले से काफी कुछ कह चुके, क्या आप दिल से स्वागत करेंगे? तो ये थे सीनियर बीजेपी लीडर नितिन पटेल। कई बार कुछ ना बोलना भी बहुत कुछ बोलने के बराबर होता है, समझने वालों के लिए विकल्पों की बहार आ जाती है। गोपी घंघर के साथ सौरभ वक्तानिया, अहमदाबाद आज तक।